नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही पंचायत चुनाव की तैयारियां रफ्तार पकड़ने लगी है, जिसके तहत चुनाव को लेकर अगले महीने से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसी बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे मुखिया और सरपंच के बारे में जानकारी साझा की है जो चुनावी मैदान में इस बार तो नहीं उतर पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे मुखिया और सरपंच जो पद से हटाए गए हैं वो इस साल क्या अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे मुखिया और सरपंच जिन्होंने बार बार आदेश जारी होने के बावजूद अपने लेखा को प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें भी इस बार के पंचायत चुनाव से वंचित रखा जाएगा। इसके साथ ही वैसे मुखिया और सरपंच जिन्होंने नाम निर्देशन की अंतिम तारीख तक 21 साल पूरा नहीं किया हुआ हो और केंद्र और राज्य सेवा में मौजूद ना हुए हो, साथ ही किसी कारणवश 6 महीने तक सजा पाई हो और कदाचार के रूप में पद से हटाए गए हों, ऐसे जनप्रतिनिधियों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनके अलावा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, शिक्षा केंद्रों में मानदेय का कार्यरत अनुदेशक, न्याय मित्र, पंचायत के अधीन पंचायत शिक्षा मित्र, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, विकास मंत्री, टोला सेवक, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से उनका आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कर्मचारी, कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील, लोक अभियोजक पंचायत के अंतर्गत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण न करता हो चुनाव नहीं लड़ सकते। इतना ही नहीं, ये लोग किसी अभ्यर्थी के प्रस्ताव भी नहीं बन सकते हैं। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ किया है कि आगामी पंचायत चुनाव में कोई भी अभ्यर्थी एक पद से ज्यादा पर भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा, जिसके तहत अभ्यर्थियों को एक से ज्यादा पद पर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग पात्र के लिए अलग अलग नामांकन प्रपत्र दाखिल करना होगा। इतना ही नहीं, इसको लेकर आपको नाजिर रसीद भी अलग से कटवानी होगी। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि पंचायत के मतदाता सूची में सदस्य के रूप में होना होगा, साथ ही ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। अगर ऐसा होता है तो अभ्यर्थी उक्त ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्य और पंच का उम्मीदवार आसानी से हो सकता है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रहे कि प्रखंड या पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में अगर अभ्यर्थी का नाम होता है तो संबंधित मतदाता उस प्रखंड में आने वाले किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंचायत समिति के किसी निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे मतदाता सूची जो जिलों के लिए गठित किए जाते हैं उसमें अगर अभ्यर्थियों का नाम शामिल है तो संबंधित मतदाता जिला परिषद के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रहे कि जो भी अभ्यर्थी अलग अलग पद पर चुनाव लड़ने की सोच रहा है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अलग अलग पद के लिए अलग अलग नामांकन प्रपत्र दाखिल करना होगा। सेवानिवृत्ति, सरकारी सेवक, जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति धारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले एजेंट और कार्यरत गृह रक्षक पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक जो केवल शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। ध्यान रहे, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिनका नाम किसी पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में होना चाहिए उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।